ताइवान पर चीन का किसी भी वक्त हमला कर सकता है। चीन ताइवान में फिर से क्यों ठन गई है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाएंगे। समंदर से आसमान तक पीएलए का एक्शन, चीन का कब्जे वाला एजेंडा, ताइवान पर जंग का खतरा, ताइवान पर कब्जा करेगी चीन की फोर्स, ताइवान पर ड्रैगन की घेराबंदी, ताइवान पर चीन किसी भी वक्त हमला कर सकता है, चीन ताइवान के चारों तरफ ड्रिल कर रहा है, ताइवान पर हमले के लिए युद्ध अभ्यास के जरिए चीन लाल आंख दिखा रहा है, ताइवान को चीन ने चारों तरफ से घेर लिया है, ड्रिल में चीन की नेवी और मिलिट्री शामिल है, चीन के जहाज ताइवान को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ताइवान के करीब चीन की मिलिट्री ड्रिल ने तीसरी जंग मोर्चे को हवा दे दी है, चीन इसे दंडात्मक युद्ध अभ्यास बता रहा है, वहीं आशंका जताई जा रही है कि चीन ताइवान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। 16 मई को पुतिन के चीनी दौरे को लेकर भी युद्ध की आशंका जताई जा रही है, वहीं पहले से ही रूस यूक्रेन में जंगी मोर्चा जारी है, चीन की दक्षिण चीन सागर में वॉर ड्रिल को लेकर आशंका जताई जा रही है कि क्या दुनिया तीसरी जंगी मोर्चे के मुहाइने पर खड़ी है। चीन एक बार फिर ताइवान को लेकर लाल हो गया है, चीन ने ताइवान के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास शुरू किया है। इस बीच ताइवान ने चीन के युद्धक विमानों और नौसैन्य पोतों को डिटेक्ट किया है। ताइवान ने कहा है कि उसके तट के पास चीन की सेना के व्यापक अभ्यास के दूसरे दिन शुक्रवार को दर्जनों चीनी युद्धक विमान और नौसैन्य पोत देखे गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसे 49 युद्धक विमान और 19 नौसैन्य पोत के साथ साथ चीनी तट रक्षक जहाजों का भी पता चला है। ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग ते ने राजधानी ताइपे के दक्षिण में ताओ युआन में समुद्री अड्डे का दौरा किया और नाविकों और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों से कहा, हम बाहरी चुनौतियों और खतरों का सामना कर रहे हैं, हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्य को बनाए रखेंगे। चीन और ताइवान की ताकत में आसमान जमीन का फर्क है। ताइवान में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के 200 सैनिक हैं जो ताइवान के सैनिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं। चीन के पास पैरा मिलिट्री फोर्स में 6,24,000 लोग हैं। ताइवान की पैरा मिलिट्री फोर्स में सिर्फ 11,500 जवान हैं। चीन की मिलिट्री के पास कुल मिलाकर 3,285 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 741 एयरक्राफ्ट हैं। चीन के पास लड़ाकू विमानों की संख्या 1,200 है, जबकि ताइवान के पास कुल मिलाकर 288 फाइटर जेट्स ही हैं। चीन के पास परिवहन के लिए 286 विमान हैं, जबकि ताइवान के पास महज 19 परिवहन यानी कार्गो प्लेन हैं। ताइवान के पास 4 तो चीन के पास 79 पनडुब्बियां, चीन के पास 507 और ताइवान के पास 37 एयरपोर्ट्स हैं। अगर चीन और ताइवान के बीच जंग होती है तो चीन की तुलना में ताइवान की मिलिट्री ताकत कुछ भी नहीं है, लेकिन ताइवान के पास हौसला और हिम्मत की कोई कमी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।